लेते इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 कारण फेरिक ब्रोमाइड के साथ जब ब्रोमीन के इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक ब्रोमाइड व्हेन बेंजीन ट्रीटेड विथ बेंजीन ब्रोमीन इट फॉर्म ब्रोमोबेंजीन, ये ब्रोमोबेंजीन बनाता है। अब रही बात इसका मैकेनिज्म क्या है, या ब्रोमोबेंजीन या और कोई बेंजीन मतलब हाइड्रोबेंजीन यहाँ पर बनता है, तो इसका मैकेनिज्म कोई बच्चे मुझे पूछे थे एक गाजियाबाद का, देखना है कह रहा है कि मैकेनिज्म इसका यह है कि सबसे पहले मैकेनिज्म ये थ्री स्टेट में होता है। पहला होता है जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स उसको बोला जाता है द केमिकल स्पीसीज प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन व्हिच है आर डिफिशियंट टू इलेक्ट्रॉन, मीन्स व्हिच हैव टू सर्च टू इलेक्ट्रॉन और व्हिच हैव एफिनिटी टू इलेक्ट्रॉन इन दिस रिएक्शन ब्रोमीन। यहाँ पर ये जो ब्रोमीन है, देखिए ब्रोमीन दो एटम से बना हुआ है, तो Br कह रहा कि इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 एक ब्रोमीन, एक इस दोनों ब्रोमीन मॉलिक्यूल, ब्रोमीन मॉलिक्यूल में जो ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच शेयर पेड इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से ये बना देता है FeBr4- एंड एक Br+ जो बच जाता है यहाँ पर है। अब देखिए ये Br+ दैट मीन्स इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इट इज इलेक्ट्रोफाइल, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, दैट मीन्स यह स्पेसीज ऐसा बना है जिसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दैट मीन्स इट विल बी इन द सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर इट विल मूव टू सर्चिंग इलेक्ट्रॉन देन इट कम नियर टू बेंजीन, बेंजीन और ये बेंजीन के रिंग के पास आता है, तो बेंजीन क्या करता है, बेंजीन पर चूंकि इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड हमेशा प्रेजेंट रहता है अल्टरनेट पाई बॉन्ड, तो इसके एक कार्बन पर जहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने पर आप देखिए ये बेंजीन का इस पोजीशन पर यहाँ पर निगेटिव चार्ज, इसे ही हम लगे ना अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, तो ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड इस जगह पर माइनस चार्ज, यहीं पर ये Br+ इस पर अटैक करता है, तो इसके साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाया है और इसको बोला जाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब देखना ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स जब बन गया तो अब क्या करना है, हमें यहाँ का इस प्रोटॉन को हटाना पड़ता है, रिमूव करेगा तभी मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, तो एलिमिनेशन फिर क्या होता है जो FeBr4 बना है यहाँ पर ये मॉलिक्यूल फिर आकर यहाँ पर इसके साथ इसके हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देता है और ये हमें बनता है ब्रोमो बेंजीन। तो आप देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ एरिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, और हाउ वी कैन राइट मैकेनिज्म, टू राइट मैकेनिज्म वी हैव टू टेक डिफरेंट स्टेप्स, एट फर्स्ट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो आपको ये दिखाया गया यहाँ पर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और सेकेंड वन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, और ये तो अब जब ये Br+ इस बेंजीन के साथ इस कार्बन पर एक दूसरे से जुड़ जाता है ऐड हो जाता है तो ये बनता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब आपका बचा हुआ काम है इलिमिनेट करना एच यहाँ से प्रोटोन, इसको बोलते हैं प्रोटोन इलिमिनेशन बाय FeBr4-, FeBr4- से करने के बाद आपका ये बनता है ब्रोमो बेंजीन। इट वॉज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, और इस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थैंक यू सो मच।